नमस्कार दोस्त। कहते हैं दोस्त हर उस समय काम आता है जब आप रो रहे हो। कहते हैं दोस्त हर उस समय काम आता है जब आप सो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। जीवन में एक अच्छे दोस्त का मिलना और दोस्तों का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपके शरीर पे आज के आधुनिक समय में वस्त्र का होना और पेट में भोजन का होना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूँ। स्वागत है आपका आप सबके अपने चैनल सौरभ डॉट कॉम। तो आज हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त, कुछ भाई लोग हैं सासाराम बिहार से। अपना अपना छोटा छोटा परिचय दीजिए और उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। भैया, मेरा नाम रमेश कुमार, सासाराम बिहार से आया हूँ। सौरभ सर को बहुत बड़ा फैन हूँ और उनका यूट्यूब पे वीडियो रेगुलरली देखता हूँ और उसी को देखते हुए मेरे मन में भी इच्छा हुआ कि मैं एक पेट डॉग पालूं और उनसे मिला मैं। फिर इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सा प्यार सा पेट दिया, मेरे को फेवरेट हो रहे हैं, बहुत क्यूट सा बच्चा। भैया का बहुत धन्यवाद। भैया दो ढाई सालों से रमेश भाई दो ढाई सालों से हमारे सब्सक्राइबर हैं और ये दो लोग उनके मित्र हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिस्टर सोनू पटेल हुआ। मैं अशोक लैंड सर्विस सेंटर में मैकेनिक फर्स्ट पे काम करता हूँ। अरे वाह, तो जितने लोग उस जगह के निवासी हों भैया के पास ज़रूर जाएं और हमारा नाम बताएंगे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको अच्छे से मिल जाएगा और बहुत अच्छे, मतलब अभी आधा घंटा ही हुआ है मुलाकात होते हुए, बट एक दिल का कनेक्शन हो गया भाई लोगों से। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए, अरे वाह। तो हमारे साथ तीन क्षेत्र। रमेश भाई आप क्या करते हैं? मेरा छोटा सा बिजनेस है, 99 मार्केट है। आप 99 मार्केट? मिनी मॉल है 99 का, वहाँ पर 99 किलो। ओ भाई, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ वही अभी स्टार्ट किए हैं तो ज़्यादा हुआ नहीं। एड्रेस बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को, सासाराम में कहाँ पे है? सासाराम विश्वकर्मा मोड़ है, तकिया बाजार मोहल्ला का नाम तकिया, और वहाँ पे आगे एक विश्वकर्मा मोड़ है, वहीं पर एड्रेस है। 82-11-13-15 सासाराम का, तो वहीं पर हमारा छोटा सा मिनी मॉल है 99 मार्केट के नाम से। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा, 99 मार्केट, मतलब ऑल आइटम 99 में, जितनी भी चीजें हैं वहाँ 99 रुपए में। जूता, चप्पल, कपड़ा लता, गिफ्ट आइटम एक से एक मिलेंगे आपको, बहुत सारे वहाँ। क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो रमेश भाई का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और आप लोग जो भी सासाराम के निवासी हैं जरूर जरूर इनके शॉप पे जाएं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे सभ्य घर से ताल्लुकात रखते हैं। 3-4-5 दिनों से इनसे बात हो रही थी। लैब्राडोर की शुरुआत आप सबको पता है हमारे यहाँ 15,000-16,000-18,000-20,000-25,000 के नीचे नहीं होते। इनसे जब भी हमारी बात हुई इन्होंने कहा भैया पैसे अभी नहीं जुट पा रहे हैं, पैसे नहीं जुट पा रहे हैं। जब 2-3 बार मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि यार शायद मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बजट क्या है। इन्होंने कहा कि 10,000, और हमने बताया कि 10,000 में तो बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको एक अच्छा पपी दे पाऊँगा। फिर भी इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि नहीं भैया आप ही से लेना है और आप ही देंगे भी, तो ये हक से मुझे कहना अच्छा लगा कि आप ही से लेना और आप ही देंगे भी और उतना ही बजट दिया भी है। तो आज ये पपी 10,500 रुपए का जा रहा है, पहला वैक्सीनेशन भी हमने करवा रखा है इसका, और आप देख सकते हैं प्रॉपर पूरा ब्लैक लैब्राडोर है, अच्छा बच्चा है। आपको कहीं भी मार्केट में ये 13-14-15,000 के नीचे नहीं मिलेगा और गोलू मोलू हिस्ट पुष्ट अच्छा बच्चा खिला पिला कर विथ पेपर विथ सर्टिफिकेट हमने इनको मुहैया कराया और बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को हमारी ओर से। हम उम्मीद करते हैं कि इस बच्चे के साथ साथ बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे रुके हुए काम इनके परिवार में पूरे हों और भाई लोग का भी कभी मूड बने, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद, और ये दोनों लोग भी आकर हमसे कोई ना कोई पपी और खुशियाँ लेके मिलेंगे। दो लाइन अगर फीडबैक हमारे कस्टमर्स या व्यूवर्स, जैसे आपने देखा है, जो कहना चाहते हो इस पपी के बारे में या एसडीके के बारे में, वो कह सकता है। जैसे मैं पहले बताया था कि मैं इनका वीडियो बहुत पहले टाइम से देख रहा हूँ, 2-2.5 साल से, तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन मैंने इनका वीडियो देखते देखते फैन हो गया पपी का, और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे एक पपी पालना है, और इसलिए मैं इनसे कॉल पर बात किया। मैं तो पहले बस वीडियो ही देखता था, इंटरेक्ट नहीं होती थी मेरी, फिर बात किया मैंने, फिर इनसे मैंने अपना बताया, फिर जैसे इन्होंने बताया ऑलरेडी कि 15-16 हज़ार से स्टार्टिंग होता है, बट इन्होंने रिक्वेस्ट पे 10,500 में मुहैया कराया मेरा, और बहुत बहुत इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। बाकी मुझे नहीं उम्मीद थी कि कहीं और चैनल पे या किसी भी जगह पे भी इस रेट में मिल पाएगी पपी, तो बट इन्होंने मेरे ट्रस्ट को
और बिल्डअप कर दिया था क्योंकि मुझे प्रोवाइड कराया इन्होंने। अच्छा भैया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपने हमारे खिलाफ भी देखे होंगे। मुझे पता है, मैं आपसे मिला, मुझे बात हुई आपसे, और मैं यहाँ पे आकर विजिट किया जाओ प्लेस सब कुछ देखने के बाद, मुझे तो ऐसे ही, मैंने तो आपको सब नाम भी दे लिया होगा अपने मुँह से, क्योंकि मुझे पता है जो रियलिटी है ये वो लोग आज डाल रहा है वीडियो, चाहे मैं आपका वीडियो बहुत पहले से देख रहा हूँ, तो जो रियलिटी है मुझे पता है, और यहाँ पे मिलने के बाद मैं खुद यहाँ से देखने के बाद भी ले जा रहा हूँ, कुछ तो ये पता है, इसलिए तो वो सब फ्रॉड है, पता ना कहाँ से। दोस्तों जब आप बढ़िएगा तो कुछ ना कुछ खींचने वाले मिलेंगे ही, वही है। तो जितने वीडियोस आप हमारे खिलाफ देखते हैं या एक्सपोजिशन के देखते हैं, वो दूसरे छोटे छोटे कैनल वाले या पेट शॉप ओनर्स के होते हैं, जो बिजनेस में मात नहीं दे सकते क्योंकि उनकी औकात या हैसियत नहीं है मुझ तक आने की, इसलिए वो ऐसे टुच्चे काम करते हैं। खैर, उन लोगों को मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, वो मानसिक रोगी हैं, शायद उनके माता पिता ने अच्छी परवरिश या फिर खान पान में कमी रह गई होगी जब वो लोग पेट में रहे होंगे, तो एक दिमाग का कीड़ा होता है जो उनके दिमाग में शायद काट लिया है। बाकी इससे ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सबका प्यार, भरोसा, विश्वास और ट्रस्ट हमेशा मेरे साथ है और ये प्यार हमेशा बढ़ता रहे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।